सरपंच ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियारपुर पूर्वी में आयोजित समर कैंप का किया निरीक्षण। बेगूसराय के खुदामनपुर में दलित महादलित एवं पिछड़ा वर्ग के कमजोर बच्चों को पढ़ाई में सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है जो आगामी 30 जून तक चलेगा। समर कैंप के माध्यम से वर्ग षष्ठ एवं सप्तम के बच्चों को शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज से जुड़े शिक्षा सेवक पढ़ा रहे हैं। गुरुवार को बरियारपुर पूर्वी ग्राम कचहरी के सरपंच नैयर आलम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियारपुर पूर्वी में चल रहे समर कैंप का निरीक्षण किया एवं विभाग के इस कार्य पर अपनी प्रसन्नता भी जताई है। बताते चलें कि शिक्षा सेवक के द्वारा चिन्हित 15 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई की अवधि 2 घंटे की है। क्षेत्र के कई अन्य विद्यालयों में भी समर कैंप शुरू कर दिया गया है। बेगूसराय के खुदामनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, किसी को कंप्लेन नहीं है। अभी आप लोगों का समर वेकेशन आने वाली है, गर्मी की छुट्टी होने वाली है ना, 4-5 दिन छुट्टी हो जाएगी। तो टीचर लोग आपको आप लोग को देंगे ही क्लास, है ना, और मेरे तरफ से भी कुछ क्लास रहेगा आप लोग को। अगर आप लोग बना के रहिएगा तो गर्मी छुट्टी पर हम पीना भी मिलने के लिए देखने के लिए कुछ टास्क देंगे, बना के लाइएगा मेरे तरफ से। देखिए आप लोग घर पर बैठिएगा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना, लू का सीजन है। तो कोशिश करिए ज़्यादा आप लोग घर में रहें, शाम के समय खेलें या मॉर्निंग टाइम खेलें, ठीक है। और एक काम कीजिए आप लोग, गर्मी छुट्टी मेरे ख्याल से 30 दिन की होती है, 1 महीना पूरा, तो आप लोग 20-22 दिन रहता है, 20-22 दिन रहता है। तो आप लोग पर दिन के हिसाब से पर डे एक पेज राइटिंग लिखिएगा, इंग्लिश और हिंदी, ये कॉपी हम चेक करेंगे, लिखिएगा। और आप लोग ड्राइंग बना के लाइएगा, साइंस बुक पढ़ते हैं है ना, मैथ बुक पढ़ते हैं, तो देखिए कि फॉर्मूला मैथ में होते हैं, वो सबको आपको एक चार्ट पेपर में बनाना है और चार्ट पेपर को डिजाइन करना है, खूबसूरत बनाना है। और आप लोग स्कूल में लाएंगे, ठीक है ना, स्कूल में लगाएंगे और उसके लिए हम आप लोग को प्राइज भी देंगे, जिसका बढ़िया लगेगा उसके लिए हम स्कूल में आके एक भी प्रोग्राम होगा वो प्राइज भी देंगे। साइंस में आप लोग ऐसे चार्ट पेपर में खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे, जो गोल हो ग्लोब वगैरह होता है ना, पार्ट्स और बॉडी होता है ना, इसका आइस आपके बारे में पढ़ते होंगे है ना, इसको मैं पेटिंग के बारे में पढ़ते होंगे।